नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूं। कल्याण सम्मेल साधम। दोस्तों आज हम इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। दो दिन पहले मैंने शुभमंगल सावधान देखी थी और उसी समय मैंने सोचा था कि यार मैं कल्याण सम्मेल साधम जरूर देखूंगा, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर के शुभमंगल सावधान देखने गया था और आयुष्मान खुराना मेरे फेवरेट एक्टर भी है और मैं दिल से चाहता था कि ये फिल्म अच्छी हो, क्योंकि उनकी पिछली जो दो फिल्में थी मेरी प्यारी बिंदु और बरेली की बर्फी, वो कोई खास लोगों को पसंद नहीं आई थी और इसी वजह से मेरी दिल से इच्छा थी कि यार ये फिल्म हिट हो। लेकिन बहुत ही ज़्यादा निराश होना पड़ा मुझे वो मूवी देख करके। मैंने रिव्यू वाले वीडियो में भी ये बात आपको बताई थी, मतलब एक सुपरहिट मूवी का आप रीमेक बना रहे हैं और फिर भी आप एक सीन टू सीन भी फिल्म कॉपी नहीं कर सकते। इतनी खराब मूवी कैसे कोई बना सकता है? और ओरिजिनल फिल्म देखने के बाद तो सच में मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया हूँ, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म इतनी एपिक और जब आप रीमेक करते हैं तो वो कचरा बनाया है, लिटरली कचरा वो फिल्म है, ऐसा आप महसूस करते हैं। और ओरिजिनल फिल्म देखने के बाद तो लिटरली मैं यही महसूस कर रहा था, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म इतनी ज़्यादा एपिक है, मतलब डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग इस फिल्म की सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है इस मूवी का। 1 घंटा और 53 मिनट की ये मूवी है खाली, केवल 1 घंटा और 53 मिनट की, और फिर भी आप सोच नहीं सकते इतने सारे इवेंट्स को, इतने सारे इमोशंस को उन्होंने इतनी सी फिल्म में कैप्चर करके आपके सामने प्रेजेंट किया है ना। सच में ग्रेट। इतने कम समय में भी इतनी सारी चीज़ें दिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और शुभमंगल सावधान 2 घंटे से भी बड़ी फिल्म है, करीब 2 घंटे और 10 मिनट की शायद वो फिल्म है, फिर भी कुछ भी नहीं दिखाया है उन्होंने उस फिल्म में, कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं दिखाया है। ओरिजिनल फिल्म में इतनी सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई है, इतनी ग्रेट स्टोरी है, एक एक कैरेक्टर के ऊपर उन्होंने मेहनत ली है, इतने कम समय में ही उन्होंने एक एक कैरेक्टर को इतना बढ़िया ढंग से आपके सामने प्रेजेंट किया। कैरेक्टर बिल्डअप हम जिसे कहते हैं, इमोशंस उस कैरेक्टर के हमें महसूस करते हैं हर एक सीन देखते समय। वो दोनों जब मिलते हैं, जो लीड एक्टर दिखाए हैं प्रसन्ना और जो एक्ट्रेस है उनका नाम है लेखा, जो मीरा नाम का कैरेक्टर यहाँ पर निभा रही है, और जो प्रसन्ना सर है वो यहाँ पर रघु नाम का कैरेक्टर निभा रहे हैं। उन दोनों ने ही इतना ग्रेट परफॉर्मेंस दिया है इस फिल्म में, और उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैसे डेवलप होता है, एक एक सीन टू सीन हमें महसूस करते हैं उनके रिलेशनशिप को डेवलप होते हुए, और एक पॉइंट पर हम खुद ये फील करने लगते हैं कि सच में उन दोनों के बीच में अभी प्यार हो गया है और अब इन दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, भले ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये हम खुद महसूस करते हैं। और जब उसकी ये प्रॉब्लम सामने आती है कि उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम सामने आने के बाद हमें खुद ये लगता है कि यार अब इसको भी उसका साथ देना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए इस मोमेंट पर। लेकिन जब हम शुभमंगल सावधान देखते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी उन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसे डेवलप नहीं किया गया है, कहीं पर भी हम महसूस नहीं करते हैं उन दोनों के बीच में प्यार, और एक वल्गर तरीके से उस फिल्म में सारी चीज़ें प्रेजेंट की है। कहीं पर भी एक चीप लगता है, बहुत ही ज़्यादा चीप लगती है यार वो मूवी। और जो ओरिजिनल फिल्म है इतनी ज़्यादा ग्रेट वो मूवी है, सारी एक ऐसा सब्जेक्ट है उनके पास जो वल्गर लगना स्वाभाविक है, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने इस सब्जेक्ट को वल्गर नहीं लगने दिया है। एक फैमिली फिल्म की तरह आप फैमिली के साथ बैठ करके वो फिल्म एकदम आराम से देख सकते हैं, लेकिन शुभमंगल सावधान थोड़ा सा आप नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें यार जो एक्ट्रेस है भूमि पेडनेकर, वो पॉर्न फिल्म देख करके कुछ आलू बुखारा मुंह में लेकर के अजीबोगरीब आवाज़ निकालती है, और पता नहीं कितना चीप लगता है यार ये। और ओरिजिनल फिल्म में यही चीज़ है, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम भी वही है, लेकिन जो प्रेजेंट करने का तरीका है वो इतना ग्रेट और इतना बढ़िया लगता है कि सच में आप प्यार में पड़ जाते हैं उन दोनों के कैरेक्टर के, और आप खुद महसूस करने लगते हैं उन दोनों के बीच में अभी जो एक बॉन्डिंग बढ़ रही है उसे। और सबसे ग्रेट बात यह है कि हर चीज़ लॉजिकल लगती है ओरिजिनल फिल्म में, और जो रीमेक है उसमें हर चीज़ इलॉजिकल है, इरिटेट होते हैं आप एक एक सीन देख करके। जैसे शुरुआत में देखिए, जो सगाई वाला सीन है शुभमंगल सावधान में, वहाँ पर कुछ शगुन देने को लेकर के वो भूमि पेडनेकर अपनी माँ को कहती है, मैं जब तक ना कहूँ शगुन ना देना। तो यार सगाई के दिन आकर ही तुमको नखरे करने थे, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं था तो यार जब देखने आया था उसी समय मना कर देते, ये बाद में नाटक करने की क्या ज़रूरत है कि शगुन मत देना। वो सीन इलॉजिकल लगता है यार बिल्कुल। और उसमें भी आयुष्मान की वो जो एक गर्लफ्रेंड दिखाई है उसमें, वो उस कैरेक्टर की कोई भी ज़रूरत नहीं, ना ही वो ओरिजिनल फिल्म में है और रीमेक में भी उस कैरेक्टर की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं थी, और बिना मतलब के सीन्स को खींचा गया है, जो एक प्रकार से सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को भी एक महत्व देना चाहिए था, उनके इमोशंस को भी प्रेजेंट करना चाहिए था, वो कहीं पर भी हुआ नहीं है रीमेक करते समय। पता नहीं मतलब दोनों फिल्म के डायरेक्टर सेम है, आर एस प्रसन्ना जी, फिर भी ये गलती कैसे हो गई हम समझ नहीं पाते। मुझे तो ऐसा लगता है यार
आर एस प्रसन्ना जी इतनी खराब फिल्म बना ही नहीं सकते। जब मैंने वो ओरिजिनल फिल्म देखी उसके बाद तो मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ। यहाँ पर साफ तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि यार उनके ऊपर कुछ प्रेशर था कि आपको ऐसी ही फिल्म बनानी है, वैसी ही फिल्म बनानी है, आपको ये नहीं दिखाना है, वो नहीं दिखाना है, मतलब उनको अपने मन के अनुसार काम नहीं करने दिया है रिमेक करते समय, इसी वजह से ये फिल्म खराब बनी है ऐसा मुझे लगता है। और भी ऐसी कई सारी इलॉजिकल बातें हैं रिमेक में, जैसे आयुष्मान खुराना जब उनकी बारात जाने वाली होती है उसी दिन दोपहर को, थोड़ी देर में बारात जाने वाली होती है और उसी दिन दोपहर को कॉफी शॉप में आकर के वो बोलता है कि यार अब हमें ये मैरिज तोड़ देना चाहिए, ये शादी तोड़ देनी चाहिए। किस तरीके से लॉजिकल लगता है यार, कई सारे दिनों से वो चक्कर काट रहा होता है, उसे पता होता है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो पहले ही बोल देता हमें शादी नहीं करनी है, बारात जाने वाली, दूसरे दिन शादी है और एक दिन पहले तुम बोल रहे हो कि यार मुझे शादी, अब हम शादी तोड़ देते हैं। तो ये एक जो बॉन्डिंग होती है, रिलेशनशिप होता है, दो जब लोग आपस में प्यार करते हैं तो वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, ये बहुत ही खराब तरीके से दिखाया है। और ओरिजिनल फिल्म में हर सीन में हम ये महसूस करते हैं कि यार कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, उनकी सगाई से लेकर के उनकी शादी तक हर एक इवेंट को, हर एक रीति रिवाज को यहाँ पर दिखाया है। और कहीं पर भी उन रीति रिवाजों का अपमान नहीं किया है ओरिजिनल फिल्म में, उनका सम्मान करते हुए सारी चीज़ें दिखाई है, किस प्रकार से माँ और पिता का भी सम्मान किया जाता है, जो दूल्हे की माँ होती है वो किस प्रकार से बहू को डोमिनेट करने की कोशिश करती है, किस प्रकार के बहू, उस जो दुल्हन है उसके इमोशंस क्या होते हैं उस समय, एक जो दूल्हा होता है उसके उस समय इमोशंस क्या होते हैं, कौन से रीति रिवाज होते हैं उस समय, उन सारे एक शादी वाले घर में किस प्रकार से उन दोनों को छुपकर एक दूसरे से मिलते हैं और फिर कैसे, वो सारी चीज़ें इतनी ग्रेट तरीके से दिखाई ना कि हम एक इसे रोमांटिक फैंटेसी फिल्म कह सकते हैं, इतनी ग्रेट ये फिल्म है। और रीमेक में ये कुछ भी दिखाया नहीं है यार, कुछ भी नहीं दिखाया है और इतना वल्गर तरीके से दिखाया है। शादी के पहले दिन भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना एक दूसरे को सब लोगों के सामने रूम में बंद कर लेते हैं और रूम के बाहर सब लोग बात कर रहे होते हैं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कितना चीप है यार ये, ऐसे कोई दिखाता है ये प्रॉब्लम। और जो दुल्हन का बाप है उसमें, वो एक जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर के जाता है आयुष्मान खुराना को, मतलब अब इसमें आप ह्यूमर निकालो या सार्केज़म कुछ भी कहो यार इसमें, इसे आप, मुझे तो वो बहुत ही फालतू लगा सीन। और ओरिजिनल फिल्म में कितना सिंसियरली ये सारी चीज़ें दिखाई है, जो उन दोनों कैरेक्टर्स के मोरल वैल्यूज़ है, कहीं पर भी उस दुल्हन जो रघु नाम का कैरेक्टर है उसके ना कोई एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड दिखाई है, ना ही उनके कुछ बाहर अफेयर्स दिखाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया यार। जो मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, कल्चर होता है, उनका सम्मान करके भी आप एक फिल्म बना सकते हो। और एंडिंग भी कितना एपिक है कल्याण समल साधम का। तो मैं तो हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि यार आप जो ओरिजिनल फिल्म है कल्याण समल साधम, वो ज़रूर 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 देखें, बहुत ही ग्रेट है। हर एक कैरेक्टर इस फिल्म का ग्रेट है और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बहुत ही स्ट्रांग दिखाए गए हैं इसमें, हर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के इमोशन आप महसूस करते हैं। अब शादी वाले घर में देखिए आपस में कुछ और महिलाएं होती है ऐसी जो एक दूसरे के साथ बातें करती रहती है, इसकी चुगली करो, उसकी चुगली करो, उन कैरेक्टर्स को भी एक स्पेशल स्पेस दिया गया है वहाँ पर। तीन ऐसी महिलाएं वहाँ पर दिखाई है जो उस प्रकार की, उनके लिए अलग से डायलॉग्स लिखे गए हैं, उन कैरेक्टर को वहाँ पर दिखाया गया है, उन्हें जगह दी गई है। इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत ही कम फिल्मों में दिखाई देते हैं हमें, और ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार ओरिजिनल फिल्म ही देखें, जो रिमेक है वो एक प्रकार से कचरा कर दिया है और ओरिजिनल फिल्म का उन्होंने। तो हॉटस्टार पर यह मूवी अवेलेबल है विथ इंग्लिश सबटाइटल्स, तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि यार ज़रूर ये फिल्म आप एक बार तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों आपको ये मेरा रिव्यू कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।